तो एबीपी गंगा की महाकवरेज रणभूमि आप देख रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं तीन उपचुनाव में जिन तीन सीटों पर उपचुनाव होना है उनका हाल क्या स्थिति है, क्या मुद्दे हैं, कैसी हलचल है और जनता का मूड इस बार क्या कह रहा है। तमाम जो सहयोगी हैं मेरे सुबह से मौके पर मौजूद हैं और उनसे ही जानेंगे कि क्या हलचल आज देखने को मिल रही है, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा, तो उससे पहले कैसी हलचल है आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े हुए हैं मैनपुरी से सीधा, रतीश त्रिवेदी भी हमारे साथ मैनपुरी से हैं और खतौली सीट का हाल बताएंगे हमें सनोज। चलिए सबसे पहले रतीश का रुख करेंगे। रतीश, अगर उपचुनाव की बात करें तो ये उपचुनाव किसी की प्रतिष्ठा का सवाल है तो किसी की जो रीति परंपरा है उसका सवाल है। मैनपुरी की बात करें तो पूरे देश की नजर मैनपुरी पर है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब नजर है कि कौन इस सीट पर टिक पाएगा। क्या तैयारी है आज की, आज का आखिरी दिन है प्रचार का, कैसे जो पार्टियां हैं वो लगी है अपना दमखम दिखाने में? बिल्कुल, देखिए प्रचार युद्ध का आखिरी दिन है तो अपना सर्वस्व झोंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी एक फौज उतार रखी है स्टार प्रचारकों की, और प्रचारक लगातार एक निचले लेवल से लेकर के और ऊपर तक जितने भी बड़े नेता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हम मौजूद हैं अलीपुर खेड़ा गांव में, और वहाँ का मंच जो सजा हुआ है, जिसे सजाया जा रहा है, उसकी तस्वीर आपको पहले दिखा दें, क्योंकि अखिलेश यादव आज 12 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी पत्नी डिम्पल यादव के लिए आज लोगों से वोट मांगेंगे। प्रचार युद्ध के आखिरी दिन ये मैनपुरी के सबसे बड़े गाँव की बात कर रहे हैं हम, कस्बे की बात कर रहे हैं, अलीपुर खेड़ा कस्बे की, जहाँ की आबादी 12,000 है और मिक्स्ड पॉपुलेशन है, यानी सभी जात के लोग यहाँ पर रहते हैं। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था, यानी 2022 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, वहाँ यहाँ पर जो वोट था वो लोध वोट ज़्यादा था, वो बीजेपी के साथ गया था। लेकिन ऐसा कुछ इक्वेशन बना है चाचा और भतीजे के मिल जाने के बाद, और ऐसा लोग यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस बार बयार फिर से समाजवादी पार्टी के लिए ही बह रही है और बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है। जो तमाम नेता यहाँ पर हैं, जो आज सभा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, आयोजक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या किस तरह से आप देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। कुछ ही दिनों में यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है लोध वोट पर कर रही है। लोध वोट सारा का सारा राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के बैनर तले समाजवादी पार्टी के लिए जा रहा है। यहाँ का सारा वोट 2 लाख है वो समाजवादी पार्टी डिंपल यादव जी को भारी मतों से। आप ये बताइए कि आप तो युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नेताओं की फौज उतार रखी है, चुनाव ऐसा पहले कभी देखा आप लोगों ने उपचुनाव? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखा, पहली बार ऐसा हुआ है कि 40 स्टार प्रचारक यहाँ पे उतारे गए हैं। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 40 स्टार प्रचारकों के ऊपर भारी हैं, भारी पड़ेंगे अकेले वो भारी पड़ेंगे 40 स्टार प्रचारकों। ये नेताजी की सीट रही है, उपचुनाव हो रहा है, इतनी बड़ी फौज भारतीय जनता पार्टी के और साथ में समाजवादी पार्टी को किस तरह देख रहे हैं, किन मुद्दों पर आप लोग जाके वोट देंगे? देखिए, मुद्दे की बात अगर रही तो जब से हम लोग ये नौजवान जब से वोटर हुए हैं तब से मैनपुरी ज़िले में केवल माननीय नेताजी के अलावा किसी ने विकास नहीं किया। और दूसरी बात, यहाँ चुनाव एक पक्ष में है, लोगों के बीच जा रहे हैं तो क्या पता चल रहा है आप लोगों? लोगों के बीच हम लोग अगर जाते हैं तो हम लोगों को यही पता लगता है कि एक तरफा वोट डिम्पल जी जीत रही हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो मानने को तैयार नहीं कि बीजेपी किसी तरीके से उनको चुनौती पेश कर रही है। लेकिन सच ये है कि बीजेपी ने मैनपुरी के उपचुनाव को और जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं रामपुर और खतौली के, उन सबको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है कि यहाँ के रिजल्ट देखने वाले होंगे। नेताजी की विरासत को उनकी बहू संभालने के लिए आगे आई है। 12 बजे आज अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी पत्नी के लिए प्रचार करेंगे। प्रचार युद्ध का आखिरी दिन है, इसलिए सभी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नाम है, जो चेहरे हैं, उन पर वोट डाला जाएगा। चलिए सनोज का रुख करेंगे, खतौली से सनोज हमारे साथ जुड़े हैं। सनोज, खतौली में किस तरीके की हलचल, आज आखिरी दिन है, कौन कौन से जो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, आज दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं दोनों पार्टियों की तरफ से? देखिए, बेहद दिलचस्प चुनाव है खतौली का। चुनाव बहुत हुए, उपचुनाव बहुत हुए, लेकिन ऐसा चुनाव नहीं दिखा कि जिसमें बड़े बड़े नेता गांव गांव गली गली कूचे कूचे जा रहे हैं। आज रणभूमि में आप देखिए कि आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो शाम 5 बजे थम जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सेनापति आ रहे हैं आज इनके बीजेपी के नेताओं के, और पूरी ताकत झोंकेंगे कि यहाँ हैट्रिक लग जाए। इसी के साथ ही आपका मुख्तार अब्बास नकवी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान है, पूरी ताकत झोंके हुए हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर है, राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल है,
बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम है, वो भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज है, एमएलसी श्रीचंद शर्मा है, और भी तमाम बड़े नेता हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो ऐसा चक्र भी हो आज रच दिया जाए कि परिंदा भी बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनकी सहमति के बिना पर ना मार पाए। लोगों का उत्साह, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह, और ये देखिए कि आज 10 से 12 बड़े चेहरे आज पूरी ताकत झोंकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि सोमेंद्र तोमर ने गुर्जर पंचायत बुलाई है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने अपने 30 गांवों में एक बड़ी पंचायत बुलाई, और ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 2 बड़ी पंचायत होने जा रही है, और उन पंचायतों में क्या होगा सबकी नजरें टिकी हैं। इन कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो ये देखिए किस तरीके से ये कार्यकर्ता यहाँ उत्साहित नजर आ रहे हैं। इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। खतौली में हम देख रहे हैं कि पूरी ताकत आप लोगों ने लगा रखी है, कोई गाँव छोड़ा या सब गाँव कर लिए? सब गाँव कर लिए हैं, 100% चुनाव जीतेंगे। अच्छा, सरकार की नीति है, सरकार पूरा हमला लगा हुआ है, हमारा पूरे नेता हमारे मौजूद हैं खतौली में। अच्छा, पूरा आप सर बता दें। गांव-गांव नहीं, घर घर पहुंच चुके हैं। बच्चा बच्चा भाजपा के साथ है, हिंदू नहीं मुसलमान भी भाजपा के साथ है। एक तरफा भाजपा जीत रही है, एक तरफा जी। तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भी इस बार बीजेपी पे कर रहे हैं। जीत गए भाई, जीत गए, खतौली विधानसभा जीत गए, 100% जीते, 100%। जितनी मेहनत ये चल रही है, और अपोजिट के तो बाजे बच चुके। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, आप एमएलसी हैं, देख रहा हूँ मैंने कई गांवों में आपको देखा कि रात के वक्त भी आप कवर कर रहे थे, ये लोग कह रहे हैं कि 100% जीत रहे हैं, तो क्या मतलब सामने को टक्कर में है नहीं, वो तो बहुत दमदार है। आज 30 बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं मदन भैया, जो मदन भैया है, मदन भैया जो आप बता रहे हैं कि 30 जनसभा कर रहे हैं, तो उनकी जनसभाओं में जाकर देखो कितनी भीड़ आ रही है। सारे लोगों के बीच में जब हम गए और लोगों से पूछा कि भाई चुनाव किधर, आप किधर रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। हम ऐसे प्रत्याशी को नहीं चुनना चाहते जो भारी हो, और दूसरा जिसका पृष्ठभूमि, जिसकी भूतकाल जो है एक ऐसी आपराधिक स्थिति से रहा हो, जिसे हम नहीं चुन सकते, जो विकास को प्राथमिकता नहीं देता, दूसरी चीज़ों को प्राथमिकता देता है। तो जनता में इस चीज़ का मैसेज गया, और पूरे हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज गुंडाराज खत्म है, तो उस तरीके की चीज़ों को देखते हुए हमारे खतौली की विधानसभा की जनता हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारे आदरणीय मंत्री सोमेंद्र तोमर जी, डॉक्टर संजीव बालियान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने अभी कमान संभाली है, उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते हुए कभी कोई हार नहीं मानी। हमारे आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी, हमारे जो वहाँ पर लगे हुए अभी मुख्तार अब्बास नकवी जी भी आ रहे हैं, और जितने भी लोग हमारे लगे हुए हैं, हमारे उसी में संगीत सोम जी हैं, अपना ठाकुर बिरादरी में जा रहे हैं, हर बिरादरी को, डॉक्टर यशवंत जी हैं एससी समुदाय में जा रहे हैं, हर बिरादरी के नेताओं को हमने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने वहाँ उतारा हुआ है, और वो जनता के बीच में हर बिरादरी के साथ साथ हर नेता हर बिरादरी में जा रहा है। तो उन्हें जो मैसेज मिल रहा है वो यही है कि हम एक ऐसे प्रत्याशी और ऐसे शक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो देश को और प्रदेश को एक गुंडाराज से ख़त्म करे, भ्रष्टाचार से ख़त्म करे, बलात्कारियों से ख़त्म करे, चौथ वसूली से ख़त्म करा। ऐसे लोगों को हम नहीं चुन सकते जो इसके साथ देते हैं, जो साथ देते हैं। सर, देख रहा हूँ कि बड़ा उत्साह नज़र आ रहा है आज, तो खतौली में गांव-गांव जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, और खतौली में इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोक दल को अपना कैंडिडेट ही नहीं मिला, बाहर से लाए हैं, और ये कैंडिडेट पहले भी 3 बार हार चुका है, जो अपने क्षेत्र में हार चुका वो खतौली में आके कैसे जीत सकता है। कहीं ना कहीं देखिए कार्यकर्ताओं में वो उत्साह है, वो कॉन्फिडेंस साफ तौर पर देखा जा रहा है, और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। चलिए, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।